दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना दामाद जी, एक कवर खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे, मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मैं सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी अब खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। सुनो, क्या है? खाना खा लिए? हाँ खा लिए, आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते? अरे मैं कह रहा था तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप की अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तो मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुँह से निकल गया, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1000 रूपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3000 रूपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10000 रूपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 15000 रूपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी, बोलत थे, और का हाल चाल हो? हाल चाल बाद में, पहले ही बतावा, तुहार बिटिया के केवल साग ही बनावे आवत हो का? कभी पालक का साग बनाए, कभी मेथी का साग बनाए, कभी सरसों का साग बनाए, एक एक कुछ छोला भटूरा, पूरी कचौड़ी, पनीर रसगुल्ला बनाए नहीं सिखाए हो का? अरे समधन जी, हम तो सदिये के समय बताए रहे, हमार बिटिया गऊ है, गऊ खुद भी चारा खावत है और दूसरों को भी चारा खिलावत है। बड़े चलाक हो समधी जी, अपनी गौ हमरे खूटे बांध दिए। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी? देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है, लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रह, जितना कह रही हूँ केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और अगर उन्होंने पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो क्या बोलूंगी? अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी, दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से। अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी? माँ जी, ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और भैया क्या हो रहा है आजकल? भैया हम तो मोटिवेट करते हैं। अरे वाह भैया, तुम भी मोटिवेट करते हो, हम भी मोटिवेट करते हैं। वैसे तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो यूट्यूब और फेसबुक पे मोटिवेट करते हैं, और तुम कहाँ मोटिवेट करते हो? भैया हम तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? हाँ भैया, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए मोटी का वेट बाहर ही करना पड़ता है। मोटकी रोज 2 घंटा वेट करवाती है। अरे वाह, नए नए कपड़े, आज तो कपड़े धुलने में मजा ही आ जाएगा। एक और नया कपड़ा, आज तो मजा ही आने वाला है। एक और कपड़ा, कोई बात नहीं, नए कपड़े हैं, एक और धुल देंगे। अरे यार, हमको क्या धोबी घाट समझ रखे हो, जो कपड़ा ठूंसते चले जा रहे हो? नटाई तक कपड़ा ठूंसते हो, फिर कहते फिरोगे कि मशीन अच्छी नहीं है, सही से कपड़े नहीं साफ करती। तुम्हारे जैसे लोगों को बैठा के तुम्हारा ही मनपसंद खाना तुम्हारे ही मुंह में तब तक ठूसना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पेट की मशीन न खराब हो जाए, तब तुम लोगों को समझ में आएगा ज्यादा कपड़े ठूसने से वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाती है। पगलेट कहीं के। भैया सेब क्या भाव? 150 रुपए किलो। बगल वाली दुकान पे तो 120 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। भैया केला क्या भाव? 80 रुपए दर्जन। भैया बगल वाली दुकान पे तो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। अरे भैया तुम तो सबको बगल वाली दुकान पे ही भेज दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या प्रॉफिट होगा? भैया बगल वाली दुकान मेरी ही है।
तो ये किसकी दुकान है? भैया ये जिसकी भी दुकान है मुझसे बोल के गया है कि मेरी दुकान देखते रहना, मैं 15 मिनट में आता हूँ। अब 15 मिनट किसी की दुकान देखूंगा तो मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए।